सन्यासी की यात्रा विशेषता हमारी जिसको विवेक चुड़ामणी में कहा है प्रारब्धम पुष्यति वप हो प्रारब्ध ले जाता है वैसे ही पढ़ाई के बाद हम तो ऋषिकेश में पढ़ाते थे दो तीन साल रहे थे आश्रम में अपने दयानंद आश्रम में फिर स्वामी जी ने कहा कि आप गुजराती में पढ़ाओ जैसे हमारे सभी अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाते हैं तो गुजरात में चले जाओ वो तो यहाँ आ गए जब हम राजकोट आए तो हमें कोई पहचान थे ऐसे ही स्वामी जी ने कहा चलो राजकोट तो राजकोट आ गए फिर यहाँ पढ़ाते रहते थे बीच में स्वामी जी ने अमेरिका में आश्रम शुरू किया तो उनको दो जगह जाने वहाँ के लिए एक दो सन्यासियों की ज़रूरत थी जिनका सेंटर यहाँ था अहमदाबाद में जो हाल में पूज्य स्वामी विवेद आत्मान जी हैं तो वो छः महीने जाते तो हम छः महीने अहमदाबाद पढ़ाते छः महीने यहाँ छः आई मीन छः महीने शटल करते थे छः महीने भी लेकिन आठ आठ महीने हो जाते पंद्रह दिन यहाँ पंद्रह दिन वहाँ ऐसा करीबन आठ नौ साल चला फिर वहाँ ठीक हो गया तब स्वामी जी ने विद्युतात्मान जी का जाना कम हुआ और तो फिर हमारा अहमदाबाद जाना बंद हुआ वहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे यहाँ आश्रीशाला में पढ़ाते थे फिर तो जैसे जैसे भगवान कराते गए ऐसे काम करते गए शुरू में हमने बच्चों के लिए बहुत काम किया करीबन सात आठ हज़ार बच्चों के लिए एक प्रोग्राम बनाया था वैदिक हेरिटेज टीचिंग प्रोग्राम जिसमें जीवन मूल्य भारतीय सांस्कृतिक मूल्य इत्यादि पढ़ाना होता है तो वो स्ट्रक्चर प्रोग्राम था एक दो स्कूल से हमारा कॉन्ट्रैक्ट था हर हफ्ते यहाँ साठ सत्रह बच्चे रहने आते थे चार पाँच दिन के लिए और इससे सैंतीस अड़चालीस हफ्ते काम किया बाद में भगवान ने भेजा कि पढ़ाना है बड़ों को उस समय शिक्षकों भी पढ़ाना शुरू किया जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो हमने एक मॉड्यूल बनाया था शिक्षकों को तालीम देने का उनमें भारतीय मूल्य प्रस्थापित हो भारतीयता का अभिगम है शिक्षक एक व्यवसाय नहीं है एक लेबर ऑफ लव है प्यार का जैसे माँ एक व्यवसाय नहीं आज अक्सर व्यवसाय के रूप में देखते हैं हमारी परंपरा में एक एक प्रेम से जिन इसको कहेंगे ना फायर्ड अप विद लव एंड कमिटमेंट वो शिक्षक बंद जो विद्या को समर्पित थे जो तप को समर्पित थे तो वो दर्शन देने के लिए था सरकार ने केंद्र सरकार ने हमें कुछ 400 सौ शिक्षक को ट्रेनिंग देने का प्रोजेक्ट दिया था हमने करीबन तीन हज़ार को ट्रेन किया उस समय और इसी समय देखा कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी तकलीफ है ज़रा बढ़ाना है तो हमने अलग अलग सॉफ्ट स्किल के कॉरपोरेट के भी मॉड्यूल बनाए थे तो हम रिलायंस में वीडियोकॉन में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जी में कई कंपनी में जाते थे एक दिन का पूरा सुबह से शाम का सेमिनार होता था बाद में सरकार से भी काम किया गुजरात सरकार से जो यहाँ पावर सेक्टर है उसका उसका कॉरपोरेटाइजेशन हुआ गवर्नमेंट से एक कंपनी बनी तो सब कर्मचारियों के अभिगम परिवर्तन के लिए हमने पूरा सौराष्ट्र के आठ डिस्ट्रिक्ट के करीबन कम से कम मैं समझता हूँ डेढ़ दो हज़ार एम्प्लॉज़ को पढ़ाया होगा चालीस की बैच में और पूरा कॉरपोरेट स्टाइल से ही पढ़ाते थे जैसे वहाँ रिलायंस वगैरह में था कि भाई अब लैपटॉप पे ले जाना है सुबह नौ से शाम को साढ़े पाँच तक सिर्फ़ एक घंटा लंच ब्रेक बीच में चाय कॉफ़ी इत्यादि छोटे छोटे ब्रेक फिर भगवान गुरु जी ने, ने आचार्य सभा की स्थापना की थी 2003 में पहला अधिवेशन हुआ जिसमें भारत के जभी सभी पुराने जितने संप्रदाय हैं उनको एक ही छत्र में ले आए और एक आचार्य सभा इज़ बेसिकली एडवोकेसी बॉडी इट्स जो अपने धर्म की ठीक से पहचान दे इट्स नॉट एन एक्टिविस्ट बॉडी तो सभी संप्रदाय के मुखिया उसके सदस्य हैं कम से कम 200 साल पुराने जो संप्रदाय हो तो वो सभी संप्रदाय के अक्सर मुखिया हैं पहले तो डेटा निकालना पड़ा फिर कई संप्रदाय में कई महात्मा इतने महान बन गए और उनकी उनकी जगह भी 200-300 साल से ज़्यादा है कई अच्छे काम किए तो उनको भी आचार्य सभा में लिया लेकिन परम्परागत जो हैं वैसे करके करीबन एक धर्म संप्रदाय के हेड सदस्य हैं वो आचार्य सभा में हमें स्वामी जी ने काम करने को कहा तो अभी तब हम महामंत्री से सेक्रेटरी जनरल और पहला प्रोजेक्ट था राम सेतु को बचाना तो सुप्रीम कोर्ट में केस लगाना जन जागरण करना तो फिर तो जैसे जैसे काम होते गए तैसे वैसे वैसे हमें भी कमिटमेंट आ गया तो करना पड़ेगा देश के लिए विशेषतः जो सरकारें थी जानबूझ के या अनजान में या वोट बैंक के कारण कुछ भी कारण हो ऐसी पॉली नीतियाँ लगाती थी कि हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति के ख़िलाफ़ थी तो उसकी रक्षा के लिए हमने काम 2004 से शुरू हुआ है और महा परम पूज्य महाराज जी के ब्रह्मलीन होने के बाद सभी आचार्यों ने मिल हमें ही संयोजक बना दिया उसका दो से तो अभी बहुत सारे काम हैं जैसे वर्ल्ड योगा डे करवाना हो या उसका भी मूवमेंट हमने ही चलवाई थी शुरू की थी ऐसे भी एक दो दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पढ़ाना भी चलता है लेकिन थोड़ा पहले पूर्णतया वही था अभी थोड़ा दोनों का ज्वाइंट हो गया और अक्सर ये आचार्य सभा की आवश्यकता काम इतना रहता है कि पढ़ाने का समझ लीजिए पच्चीस तीस प्रतिशत ही होता है शास्त्र पढ़ाना या शिक्षकों को पढ़ाना या पेरेंटिंग के कोर्स करते थे बच्चों के करते हैं वो सब करते हैं और हम नियमित रूप से अभी ऑनलाइन करीबन चार साल से अच्छा हुआ कोविड से पहले ही हमने शुरू किया था हफ्ते में चार दिन शाम को क्लास रहती है दो दिन अंग्रेज़ी में होती है दो दिन गुजराती में होती स्वामी जी आर्ष विद्या मंदिर यहाँ पर आपने स्थापना की और हम लोग ऑनलाइन देखते हैं आकर भी देखते हैं मंदिर का कुछ इतिहास भी और बहुत सारी गतिविधियाँ यहाँ पर होती हैं तो इस आश्रम के बारे में इस मंदिर के बारे में एक बार है आश्रम हमने हमारे लिए नहीं बनाया हमारे लिए तो ये कुटिया काफी है लेकिन हमने देखा कि समाज में ज्ञान आवश्यक है दो प्रकार की विद्याएं पढ़नी चाहिए आज की भाषा में कहें तो जिसको कहेंगे विजडम ऑफ अर्निंग पढ़ने के बाद आश्रम में जब प्रवेश करते हैं तो अर्थोपार्जन आवश्यक है समाज का उत्तरदायित्व तो निभाना है राष्ट्र का है वगैरह तो उसमें आपने यूनिवर्सिटियाँ पढ़ाती रहती हैं वही वही पढ़ाते हैं लेकिन आप सिर्फ एक व्यवसायी या काम करने वाले व्यक्ति नहीं हो आप सिर्फ सीए या इंजीनियर या डॉक्टर नहीं हो एक पति हो किसी की पत्नी हो किसी के भाई हो किसी की बहन हो अब समाज के एक अंग हो राष्ट्र के एक अंग हो तो ये ये भी पता होना चाहिए जिसको कहेंगे विजडम ऑफ लिविंग ठीक तरह से जीने की विद्या हाउ टू व्हाट शुड बी अवर वैल्यूज हमारे जीवन मूल्य क्या होने चाहिए हमारे जीवन आदर्श क्या होना चाहिए हमारा जीवन अभिगम क्या होना चाहिए हमने देखा कि इसकी बहुत आवश्यकता है और वही विद्या हमारे ऋषि ने दी थी उसी को आर्ष विद्या कहते हैं और वो विद्या ऐसी दे दी कि जो आखिर में आपको मोक्ष दे दे जन्म मरण से मुक्ति पा दे दिला दे तो विद्या की जैसे हमने देखा कि कहीं नहीं दी जा रही इसीलिए दुनियावी दृष्टि से काफ़ी पढ़े लिखे लोग डॉक्टर इंजीनियर लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में बड़े निष्फल हैं परिपक्वता नहीं होती इमोशनल मेच्योरिटी कॉग्निटिव मैच्योरिटी अपने जीवन मूल्य गलत होते हैं जीवन अभिगम गलत होते हैं सोचा है so, पढ़ाने का काम करेंगे तो इसलिए लिए आर्षोद्या मंदिर की स्थापना हुई और मंदिर भी हमने देखे कि बड़े बड़े शिवालय हैं लेकिन कोई ठीक से पूजा नहीं हो रही है सूची नहीं हो रही है तो मतलब हम ही मंदिर की गरिमा मर्यादा नहीं रखते शास्त्र में लिखा है कि मंदिर में भगवान के सामने बात भी नहीं करनी चाहिए तो हमने ऐसा दे अक्सर देखे कि वो शुचि या मर्यादा भगवान की नहीं रखती है तो सोचा कि एक ऐसा मंदिर बनाएँ कि जो समाज को मर्यादा दे, सिखाएँ वैदिक पद्धति से, रो, से रोज मीन वैदिक मंत्रोच्चार से रोज विधि हो आजकल वैदिक मंत्र बोलने के स्थान और पूजा के स्थान भी कम हो गए कहीं कहीं-कहीं जगह तो स्मार्ट मंत्र भी नहीं बोलते ऐसे ही उपचार करके छोड़ देते सोचा विधिवत पूजा की पता चले समाज को और समाज प्रार्थना करना सीखे इस अपनी, अपनी बर्थडे हो या किसी का श्राद्ध हो या सालगिरह हो शादी की इत्यादि तो वो उद्देश्य था तो धीरे धीरे वो भी पूर्ण हो रहा है और आश्रम में आके जिसको मनन चिंतन करना है निधिध्यासन करना है अपना आत्मनिरीक्षण करना है या कुछ पढ़ना है तो वातावरण ऐसा होना चाहिए कि उसी से आदमी के मन को अंतर्मुक्ता उससे से हम किसी भी व्यक्ति हो उसके मन में शांति हो उसका मन उद्वेग से रहित हो तो हमने इस प्रकार से आश्रम का बनाने का प्रयोजन तो यही था जीवन विद्या देना विजडम ऑफ लिविंग और ठीक से पूजा था लेकिन जो एम्बियंस जो बनाया है उसके बजाय काफ़ी समय शक्ति सोच गई है उसका उद्देश्य यह है कि आते ही मन को शांति हो ऐसा भाव होना चाहिए कि हम परमात्मा के शरण में जैसे कहें यू शुड रिलैक्स इन द लैंप ऑफ ईश्वर भगवान की गोद में आप निश्चिंत हो ऐसा वातावरण है